नमस्कार दोस्तों, देसी डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। तो जी, आज कोई भैंस की या कोई गाय की वीडियो नहीं दिखा रहे, फसल की वीडियो दिखा रहे हैं आपके सामने, जो कि आप देख सकते हो। किसान का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है बारिश के कारण, और गेहूं में देखो जी, ये देखो जी क्या हालत कर रखी है किसान की। और ये 1.5 किले में गेहूं है, सारे के सारे गिर गए हैं, और इनमें बालियां भी नीचे गल रही हैं, जो कि मैं आप जूम करके दिखाऊंगा आपको। ये देखो जी, इनमें किसान के क्या निकले गए इन बालियों में। ये देखो जी, ये कितना दाना इनमें, देखो जी कुछ भी नहीं है। तो किसान का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है जी बारिश से और ओलों की बौछार से। ज़्यादातर किसानों ने जो ज़मीन ले रखी थी बटाई में, माल में या वैसे ठेके पर, उन किसानों को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। और जो छोटे किसान थे उनको भी। तो जी, ये सामने आप देख रहे हो, ये गेहूं की फसल है जो कि ख़त्म ही हो चुकी है। अब इसमें 10% गेहूं निकलेगा, और ऐसा ही कुछ सिरसों में हो रहा है। और ये देखो जी, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा जूम करके, ये देखो जी बिल्कुल नष्ट कर दिया है सारी फसल को किसान की को। और सरकार अभी कुछ इस पे एक्शन भी नहीं ले रही है। ये देखो जी, कोई 1-2 बालियाँ खड़ी हैं पूरे खेत में, नहीं तो सारी गिर रही हैं, और सरकार इस पे कोई एक्शन भी नहीं ले रही है। तो देखो जी, इस साइड भी देखो, ये देखो जी बहुत ही ज़्यादा फसल खराब होने के कारण किसानों को अब ये दर्द सह नहीं रहा। और अभी तो 2-3 दिन की और बारिश बता रखी है, तो किसानों के साथ तो ऊपर वाला भी नहीं है जी। तो आप देखो जी, आसमान में अभी बादल मंडराए हुए हैं और धुंध भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, और ये सारी फसल, दूर दूर तक की फसल खराब है जी बिल्कुल। तो किसान बेचारा बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके 6 महीने में अपनी फसल तैयार करता है, और उसके बाद ये होता है जी। देखो जी, तो प्राकृतिक आपदा को कोई टाल नहीं सकता। और ये देखो जी, लेकिन कहते हैं ना कि किसान का तो हाड़ कुत्ते वाला होता है, फिर से मेहनत करेगा और फसल खेतों में लहराएगी। तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है किसानों का, और आप देख सकते हो ऐसे भाई पशुपालन में भी नुकसान हो रहा है, कोई फायदे का सौदा नहीं रहा। अब फीड बहुत ही तेज़ हो रही है, और अभी भैंसों की कीमत भी बहुत ही तेज़ हो रही है, इसके कारण किसान को कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा। और सामने आप रोटी को देख सकते हो, ये हमारा रोटी है जी, ये रहा चल रहा है रोटी, आजा। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसानों को। ये 1.5 किले में गेहूं डाले थे किसान ने, और बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहे हैं, एक भी बाल खड़ी नहीं है इसमें, जैसे मैज मार देते हैं किले में वैसे है जी।
ये देखो जी, बहुत ही बुरा हाल है जी। किसानी करनी अब बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना है जी। देखो जी, बिल्कुल साफ व्यू आ रहा है जी। ये देखो, एक भी बाल किल्ले में खड़ी नहीं है, जैसे लावणी कर रखी है। देखो ये जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना कि कहाँ कहाँ पर ऐसे वो हुआ है। हम रेवाड़ी जिला से हैं और गांव सुधराना से, तो आप भी बताना जी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि गवर्नमेंट सरकार के पास भी पहुँचे और उन्हें भी पता चले कि किसानों को क्या पीड़ा हो रही है। तो वीडियो देखने वाला सारा भैया ने मेरी हाथ जोड़ कर राम राम, और इन फ्यूचर आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा ले और बेल आइकन का, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। और इसी चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी झोटियों की आगे लाइव चुवाई करवाएंगे आने वाले समय में, 2-3 झोटियों की अच्छी, लेकिन उनमें लगेगा 2 महीने का टाइम अभी। और आपको कल नेक्स्ट वीडियो में एक बुल भी दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर M29 का बेटा। तो धन्यवाद जी, राम राम जी।